हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नी बोर्ड। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड जीके, जिसका ये पहला पार्ट है। इसमें 10 डिफरेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे जो आपको शायद ही पता होंगे और काफी इंटरेस्टिंग भी हैं। दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और साथ ही साथ सोचने के लिए आपको 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। इस दौरान यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर सही लगता है तो आप उसे कमेंट जरूर करें। दोस्तों, इससे पहले कि हम क्वेश्चन एंड आंसर पे आएं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये चैनल और हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इसके 3 ऑप्शन हैं, 2 मार्च, 2 दिसंबर और 2 जुलाई। आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, इसका सही आंसर है 2 दिसंबर। बेसिकली कंप्यूटर साक्षरता दिवस या कंप्यूटर लिटरेसी डे की शुरुआत 2001 से हुई थी और ये इंडिया में NIIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा की गई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में लोगों में जागरूकता को फैलाना। चलिए दोस्तों, आज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सार्वजनिक तौर पर इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, हो सकता है आप जानते हो। चलिए मैं ऑप्शन देता हूं आपको, 15 अगस्त 1994, 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1996। आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, इसका सही आंसर है 15 अगस्त 1995। भारत में इंटरनेट सेवाएं 15 अगस्त 1995 को VSNL द्वारा शुरुआत हुई थी, उनके द्वारा हुई थी। और आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा, उस दौरान उस समय के हिसाब से 6 महीने के अंदर लगभग 10,000 इंटरनेट यूजर्स उसमें जुड़ चुके थे। तो चलिए दोस्तों, आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का पहला हिंदी पोर्टल कौन सा है, काफी इंटरेस्टिंग है। 3 ऑप्शंस आपको देते हैं, webdunia.com, भास्कर.com, जागरण.com। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, इसका सही आंसर है webdunia.com। दोस्तों, वेब दुनिया एक हिंदी न्यूज ई पोर्टल है या ई पेपर है, जिसकी शुरुआत जुलाई 31, 1999 को हुई थी। बेसिकली इस पोर्टल में आपको सभी प्रकार के नॉलेज और न्यूज पता चलती हैं, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, ज्योतिष हो, दर्शन हो, भारतीय इतिहास हो, या भारतीय संस्कृति हो, हिंदू संस्कृति हो, किसी भी प्रकार की कल्चर से रिलेटेड बातें हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा के प्रथम सर्च इंजन का नाम क्या है। आप सर्च इंजन के बारे में तो जानते ही होंगे, चलिए देखते हैं आपको ये पता है कि नहीं। 3 ऑप्शन है, जानकारी, खोज या तलाश। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, इसका सही आंसर है तलाश। जी हाँ दोस्तों, सर्च इंजन बेसिकली क्या होता है, ये एक प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, जो कि बेसिकली इंटरनेट में जो भी जानकारी आप चाहते हैं उसे आप उस कीवर्ड को टाइप करते हैं तो उसके बेसिस पे वो सर्च करके आपको उपलब्ध करा देता है। कुछ प्रसिद्ध सर्च इंजन आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जैसे आपने नाम सुना होगा गूगल का, बिंग का, याहू का। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉटमेल का निर्माण किस भारतीय ने किया था। आपके 3 ऑप्शन हैं, अनुदीप निकांती, सबीर भाटिया और आशीष गुप्ता। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, इसका सही आंसर है सबीर भाटिया। जी हाँ, सबीर भाटिया बेसिकली आज के एक बहुत फेमस बिजनेसमैन है और उन्होंने 1996 में हॉटमेल नाम से एक ईमेल सर्विस प्रोवाइड की थी, शुरू की थी, और ये सबसे पहली ईमेल सर्विस थी। आपको जानकर आश्चर्य भी हो सकता है। तो बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने 1997 में $400 मिलियन में इसे सबीर भाटिया जी से खरीद लिया था। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंटरनेट पे उपलब्ध होने वाला भारत का समाचार पत्र कौन सा है, सबसे पहले जो आया था। 3 ऑप्शंस हैं, द हिंदू, अमर उजाला, पंजाब केसरी। सोचिए और बताइए हमें कमेंट करके। आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है द हिंदू। बेसिकली द हिंदू पेपर जो है ये एक ई पेपर है जिसका निर्माण 1996 में किया गया था और उस दौरान चूंकि उस समय एनिमेशन की बहुत ज्यादा उपलब्धि नहीं थी, इसलिए ज्यादातर जितने भी लेख होते थे, पेजेस होते थे और पिक्चर्स होती थी या इमेजेस होती थी, वो PDF या JPEG के रूप में होते थे और टेक्स्ट के रूप में चीजों को लिखा जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस कंपनी ने 4G सेवाएं प्रदान की। अगर आपको पता है तो जरूर सोचिए और बताइए हमें। ऑप्शंस हैं, आइडिया, जियो, एयरटेल। और आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है एयरटेल। जी हाँ,
10 अप्रैल 2012 को एयरटेल ने कोलकाता में TD-LTE टेक्नोलॉजी का यूज करके और डोंगल और मॉडेम की मीडियम से 4G सेवाओं की शुरुआत की थी। सबसे पहले ये कोलकाता में शुरू हुई थी और उसके बाद ये बेंगलोर में 7 मई 2012 को, उसके बाद पुणे में 18 अक्टूबर 2012 को, देन उसके बाद चंडीगढ़ और मोहाली और पंचकुला में इसको लॉन्च किया गया था 2013। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। 8वां क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय वेबसाइट का नाम क्या है? चलिए देखते हैं आपको इसका आंसर पता है कि नहीं। ऑप्शंस हैं yahoo.com, reddit.com और hotmail.com। आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ, इसका सही आंसर है reddit.com। reddit.com भी एक भारतीय समाचार, सूचना, मनोरंजन और खरीदारी का वेब पोर्टल है। ये ई कॉमर्स का वेब पोर्टल भी आज की डेट में हो चुका है। इसकी स्थापना भी 1996 में हुई थी और उस समय ये रेडिट ऑन द नेट के नाम से जाना जाता था और 1997 में इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो reddit.com के नाम से हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? काफी इंटरेस्टिंग है और आपको ये पता होना चाहिए, काफी एग्जाम्स में ये आ सकता है या संभावनाएं रहती हैं इसके आने की। ऑप्शन है परम, सिद्धार्थ, अनुपम। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। भारत में पहला कंप्यूटर जो सिद्धार्थ बना था, 16 अगस्त 1986 को बेंगलोर के मेन पोस्ट ऑफिस में इसे स्थापित किया गया था। और चलिए आज का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, वो है भारत में सर्वप्रथम जो कंप्यूटर वायरस पकड़ा गया था उसका नाम क्या था? जल्दी से तीन ऑप्शन देते हैं, कोड रेड, निम्दा या जोशी, ब्रैकेट में आप देखेंगे हैप्पी बर्थडे जोशी। तो चलिए देखते हैं आपको इसका आंसर पता है कि नहीं पता है। समय देते हैं। इसका सही आंसर है जोशी, हैप्पी बर्थडे जोशी। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने पकड़ा। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? बेसिकली ये भी प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर में उपस्थित डेटा, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके कंप्यूटर को सही तरीके से काम करने में डिस्टर्ब करते हैं। जोशी 1990 का एक बूट सेक्टर वायरस है जो आपके हार्ड डिस्क को काफी ज्यादा इन्फेक्ट करने में एबल था। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे कंप्यूटर बेस्ड जीके के क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक हमारे लिए बहुत मैटर करता है। ये हमें हेल्प करता है हमारे आगे बढ़ने में। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट नॉलेज के साथ अगले वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।